नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीच नॉलेज में। आज बात करेंगे संदीप गाड़ोली की। संदीप गाड़ोली हरियाणा का रहने वाला था। संदीप गाड़ोली का जुर्म की दुनिया में इतना नाम था कि कई युवा उसकी गैंग में शामिल होने के लिए उत्सुक रहते थे। गुरुग्राम में उसके नाम की तूती बोलती थी। कहते हैं संजीत विद्रोह राजेश भारती की गैंग में शामिल होने से पहले कम उम्र में संदीप की गैंग का भी मेंबर रह चुका था। संजीत विद्रोह और राजेश भारती से जुड़ा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दोस्तों देखना हो तो देख सकते हो। फिलहाल बात करते हैं संदीप गाड़ोली की। संदीप गुरुग्राम में रहकर अपनी गैंग को चलाता था। कहते हैं संदीप गैंग का इतना दबदबा था कि दूसरी गैंग उससे सामना करने से पहले हजार बार सोचती थी। आपको बता दें, संदीप गाड़ोली के खास शार्प शूटर विक्रम शरावत और राजीव उर्फ राजू शेट्टी की वजह से ही संदीप गाड़ोली की गैंग काफ़ी मजबूत थी। बताया तो ये भी जाता है कि एक वो दौर भी था जब बिंदर गुज्जर और संदीप की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। बिंदर की गैंग में ही संदीप शामिल था, लेकिन बाद में संदीप ने अपनी अलग गैंग बना ली थी। संदीप पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के 40 से भी ज़्यादा मामले दर्ज थे। उसके नाम से व्यापारी से लेकर आम आदमी भी घबराता था। अन्य गैंग के लोग भी गाड़ोली गैंग का नाम सुनकर पीछे हट जाते थे और उसके एरिया में धंधे को करने का सोचते भी नहीं थे। गैंग को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और राजू शेट्टी, जो कि संदीप का खास था, वो संदीप की फाइनेंशियली मदद किया करता था। राजू शेट्टी रियल स्टेट का बिजनेस किया करता था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। एक समय वो आया जब संदीप के दुश्मनों ने उसकी गैंग के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। एंटी गैंग संदीप को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जिससे संदीप कमज़ोर पड़ जाए। 10 नवंबर 2015 को राजू शेट्टी को गुरुग्राम के एक पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार डाला। इस वारदात को बिंदर गुर्जर ने 4 शार्प शूटर्स द्वारा करवाया था। उसने पुलिस के सामने कबूला कि ये काम उसने करवाया आपसी दुश्मनी के चलते। कहते हैं इस घटना से कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम की पुलिस चौकी में संदीप और बिंदर में हाथापाई और गाली गलौच हुई थी। बिंदर गुर्जर ने कुछ दिन बाद ही संदीप के एक और खास आदमी विक्रम शरावत को भी मार दिया। पुलिस बिंदर को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। संदीप अपने दो खास व्यक्तियों के मारे जाने से काफ़ी टूट चुका था। आपको बता दें, बिंदर गुर्जर राजनीति में भी सक्रिय था। वो एक समय गुरुग्राम वार्ड नंबर 21 से पार्षद भी रहा। जमानत पर बाहर आने के बाद बिंदर गुर्जर की आंखों में संदीप रड़क रहा था। वो संदीप को रास्ते से हटाने की तैयारी में था। 3 अक्टूबर 2015 को बिंदर गुर्जर ने अशोक नाम के व्यक्ति को दिल्ली बुलाया। रात का समय था और जमकर पार्टी चल रही थी, तभी अचानक बिंदर ने अशोक को गोली मार दी। कहते हैं बिंदर ने प्लानिंग के तहत अशोक के परिवार वालों को यकीन दिला दिया था कि अशोक की हत्या संदीप ने की है। बिंदर ने अशोक के घर वालों से कहकर संदीप और उसकी गैंग के लोगों पर केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस संदीप को ढूंढने में लग जाती है, जिसके बाद संदीप गुरुग्राम छोड़ मुंबई फरार हो जाता है। संदीप की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम था दिव्या आहूजा। दिव्या मॉडलिंग में न्यू कमर थी। बताया जाता है दिव्या को संदीप ने अपने आप को रियल स्टेट से जुड़ा बिजनेसमैन बता रखा था। कहीं ना कहीं संदीप दिव्या के शौक भी पूरे करता था। दोनों गुरुग्राम में कई समय तक रहे। इसी बीच जब संदीप मुंबई आ जाता है तो वो दिव्या को मुंबई आने को कहता है। पुलिस संदीप के हर करीबी पर नजर बनाए हुए थी। गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या को ट्रैक करना शुरू कर दिया और दिव्या के पीछे पीछे गुरुग्राम पुलिस मुंबई जा पहुंची। मुंबई में संदीप अंधेरी होटल के पास रुक रखा था। 6 फरवरी 2016 को दिव्या वहां पहुंचती है। जैसे ही गुरुग्राम स्पेशल टीम ने संदीप को देखा तो पुलिस ने संदीप को एनकाउंटर कर मार डाला। जब मुंबई पुलिस को इसका पता चला तो वो वहां पहुंचती है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने मुंबई पुलिस को कहा कि वो यहां जांच के लिए आए थे, लेकिन सामने से जब संदीप गाड़ोली ने फायरिंग की तो उनको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। खबरों की माने तो कहते हैं संदीप गाड़ोली की बहन ने संदीप की बॉडी का संस्कार करने से मना कर दिया। बहन का कहना था कि जब तक संदीप के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कहते हैं 10 महीने बाद बिंदर और पुलिस वालों को अरेस्ट किया गया। जब जाकर संदीप का संस्कार किया गया था,
इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। जांच में पता चला कि संदीप के हाथों में कोई हथियार नहीं था और उसको साजिश के तहत मारा गया था। मुंबई पुलिस बिंदर को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। बिंदर ने पूछताछ में कबूला कि उसने ही अशोक को मारा था। बिंदर के साथ साथ हरियाणा स्पेशल टीम को भी गिरफ्तार कर मुंबई जेल में डाल दिया गया। 2021 में बिंदर गुर्जर ने जमानत के लिए भी अपील की, लेकिन कोर्ट द्वारा जमानत को खारिज कर दिया गया। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति जुर्म के रास्ते चल पड़ता है तो वो व्यक्ति ना केवल अपनी जिंदगी बर्बाद करता है बल्कि अपने परिवार की भी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।